अभी हम क्या करेगा ना, हम बताएगा अरुणाचल के लोग कैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, ये बोल के हाँ दिखाएगा ये परफेक्ट है क्योंकि डील करता है रोज अरुणाचल वालों के साथ। अभी क्या करेगा ना, 9:30 बजे है ना, हम 11:30 तक यहाँ से निकल जाएगा रे। हाँ फिर एयरपोर्ट जाएगा, उसको वहाँ छोड़ेगा, फिर हम निकल जाएगा। कहाँ, किसको छोड़ेगा, इंडिगो वाले को, हाँ इंडिगो वाली को हाँ फिर हम अपना बस में जाएगा, बस्ती में हाँ, फिर सामान रखेगा वहाँ पे ना, सामान लोग सामान लोगों को रखेगा ना, फिर हम लोग निकल जाएगा रे वो एक पहाड़ की ऊंचाई में ना, जैसे कि तावांग के ऊपर एक बुद्धा बैठा है ना, ऐसे हमारे यहाँ पे एक बुद्धा बैठा है, तो जंगल अच्छा में एक पहाड़ में ऊपर में, वहाँ से ना बांग्लादेश पूरा दिखाई देता है रे। वहाँ अच्छा जाके हम कुछ टाइम बिताएगा, थोड़ा फोटो वोटो खींचेगा, वीडियो वीडियो लेगा, फिर हम लोग शाम तक घर आ जाएगा, है ना, ऐसे हम लोग बात करते हैं रे। होगा। होगा होगा, अभी तक तो हो गया, फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं ना। बच्चे लड़के लोग ऐसे क्यों है रे, बच्चा बच्चा लिख के रख ला। टुडे इज आवर लास्ट डे एट इंडिगो कस्टमर सपोर्ट होम। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इनका जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे को तो अच्छा लगा बंगाली फूड। बाकी अभी मेरा काम चल रहा है यहाँ पे, और फिर आज हमें यहाँ से अगरतला से निकलना है, और अभी जाना है पायल को छोड़ते हुए वापस शांति विहार संजय के घर। चलो बहुत मालिक, बहुत रैली, अब आप इंडिगो कस्टमर सपोर्ट के घर में, अब वक्त आ गया है ड्राइवर बनने का। इंडिगो वाले भी तैयार है, अभी फ्लाइट उड़ाने जा रहे हैं बस। फ्लाइट उड़ाने जा रहे हैं बस। मैं क्या उड़ाऊंगा, गाड़ी टाटा टोंटर। शांति या शांतिर, शांति शांति शांतिर। शांति नाम की औरत थी ना, हाँ, जिसकी अभी भूतनी, वो भूतनी बन के घूमती है। घर पे रखो ना, थोड़ा टाइम है तो जाने में आएगा ना। अभी तो दास उन्होंने आपसे, ओके थैंक यू, बहुत नहीं, अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, फिर आना। बिल्कुल, चलते चलते। आज बहुत गर्मी है। और मेरे को देखो कैसा होगा ये। बाय बाय। मैं तो बढ़िया टाइम लैप्स पे लगा के और सो गया था। नहीं नहीं, ये नहीं, अपनी गाड़ी तो चला रहा था। चल वाइब दोलो काला का चिलामा, बोलो चिलामा काला काला कांगम याने कम लगी दासी। एक और बात आज अच्छी पता लगी कि त्रिपुरा से अभी पीछे एक गई थी लाइन जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में। आई डोंट नो क्लास कौन सी थी उस टाइम पे, होगी 6th to 10th के बीच में ही कुछ होगा, उसी में ही थी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक लाइन जाती है जैसे इक्वेटर जाता है, जैसे भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, तो ऐसे ही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देख लेना यहाँ से जाती है। ये जगह का नाम है उदयपुर। हाँ, और जो एग्जैक्ट जिस जगह से गया उस जगह का नाम है गोरजी। क्या नाम है, गोरजी, गोरजी जी ए आर हाँ जे डबल। अच्छा गढ़ जी, वहाँ से वो रेखा गया है और यहाँ से जाती है मध्य प्रदेश। हाँ ऐसे कुछ, इंडिया के बीच से गया ना वो। हाँ वही त्रिपुरा का ऊपर से गया, त्रिपुरा का बीच डिवाइड करते हैं। अच्छा, कुछ इंडिया का वो डिवाइड करता ना। हाँ नीचे ऊपर का। हाँ हाँ वो बंगाली में कहते हैं उसको कॉर्कट क्रांति रेखा। बंगाली में क्या कहते हैं, कॉर्कट क्रांति रेखा। अच्छा समझ में आ गया गुरुजी ने जो पढ़ाया। नहीं तो हमेशा याद नहीं रहता, अभी अचानक याद आया था।
जहाँ पे पहुंचे हैं ये त्रिपुरा का सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे सैटरडे को मार्केट लगती है, बस सिर्फ एक दिन मार्केट लगती है और करोड़ों की मार्केट लगती है। और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे ना मिलती हो। और इस मार्केट का नाम है, क्या नाम है? मोनू बाजार। मतलब होलसेल वाला आइटम ज़्यादा मिल, जैसे कि पकड़ लो कि गाय तो नहीं मिलेगा, गाय नहीं मिलता है, जैसे कि पकड़ लो कि सुअर, अलग अलग टाइप का मुर्गा लोग। अच्छा, खाने पीने का भी मार्केट लगती है? हाँ, कपड़े वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह भी रहते हैं, सब कुछ होता है। अच्छा, होलसेल ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। तो रिटेलर्स यहाँ पे आते होंगे ना खरीदने? हाँ, रिटेलर्स यहाँ पे आते हैं ज़्यादातर। तो वो इसीलिए इतनी बड़ी मार्केट है कि बल्क में सब कुछ बिकता है। और ये आती है उदयपुर से शांति विहार के रास्ते में, है ना, मोनू बाजार। तो आप कभी त्रिपुरा आ रहे हो और आपको बहुत सारा सुअर खरीदना है तो मोनू बाजार आइएगा बी बॉयज के साथ। ऐसे करता है ना वो, यार भैंस आज हम कुछ करेंगे, आज हम सुअर खरीदेंगे। मस्त है, मस्त वो मस्त करता है वो, जो असम का है ना, 50 प्रोमोस का क्या और देखो टेस्टिंग किया, देखा ना उस दिन? देखा, उस दिन तुमने दिखाया था। तभी तो वो चलता, कभी भी ना एकदम से उसकी एनर्जी कभी भी आ जाती है और फिर कभी भी शांत हो जाता है, फिर वो एकदम से निकलता है, फिर ऐसे कूदेगा इधर उधर। बढ़िया करता है। एक बार ना नॉर्थ दिल्ली में गया था सर, या जगह याद नहीं है, एक मार्केट पे गया, उससे जगह का नाम याद नहीं, मतलब पता नहीं है। मार्केट में चिल्ला दे तो लोग ही डर जाए। वीडियो ऑन करके सपोज लड़ने तुमसे मिला एक आदमी से, हम ऐसे पूछेंगे ना कि भाई इस जगह का नाम क्या है, वो कैमरा ऑन, भैया इस जगह का नाम क्या है, वो डर जाता है लोग, भैया इस जगह का नाम क्या है। लड़का सही में खतरनाक है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। उसका है वो बी बॉयज। बाकी हम अभी एक जगह पे जा रहे हैं जिस जगह का, जैसे आपने जाइंट बुद्धा वगैरह स्टैचूज देखे होंगे तो वैसे ही कोई जगह है यहाँ पे। एक जाइंट बुद्धा ही है, नाम भी यही है, ये कोई नाम, वो नाम तो लोकल नाम है, आइल मारा जगह का नाम है। क्या है? आइल मारा। आइल, हाँ, डबल ए आई एल, हाँ, एम ए आर ए, ओके, आइल मारा। तो वहाँ पे भी जाइंट बुद्धा है, तो उसका कुछ ये भी है कि भाई कितने फीट का है कुछ भी? वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, वो जा के पूछ लेंगे। पर अपने घर के वहीं पे ही है, मेरा घर पार करके 30 होगा किलोमीटर। अच्छा, उससे पहले भी एक पगोड़ा कहते हैं ना उसको, गोल्डन टेम्पल लेके आएगा, गोल्डन नहीं मतलब बुद्धिस्ट का टेम्पल है गोल्डन कलर का, वो भी सुंदर है, वो भी दिखाएंगे। पाक पगोड़ा, हाँ पाक पगोड़ा है ना, और इसके दो दोस्त आएंगे, अभी दो मॉडल और आएंगे 1996 के, फिर हम यहाँ से जाएंगे। कैसा है तू इसमें? सही बोलता है, बस्ती को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे आके एक और चीज पता चली, वो जो है ना, हे हरी राम, हे क्या नाम, कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुई? ये भी नॉर्थ ईस्ट का है। तुमने वो देखा, एक मछली? क्या चीज? एक मछली पानी में छपक। हाँ, क्या चीज? एक मछली पानी में छपक। हाँ, एक मछली आ गई। अब पानी में। ये सही जगह बना रखा जंगल के अंदर, बिल्कुल हमारी किस्मत इतनी बढ़िया है, हम यहाँ पे आए ड्रोन शॉट लेने और बारिश आ गई, तो हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा अभी ये, जब तक बारिश नहीं रुकती। वैसे क्या सुंदर जगह पे बना रखा है, बिल्कुल जंगल के अंदर, फॉरेस्ट में। सक्या मुनि वर्ल्ड पीस पगोड़ा, ये सब इन जनरल उनको पगोड़ा ही बोलते हैं। हाँ, पगोड़ा मतलब उन लोगों का टेंपल जैसा होता है, बुद्धिस्ट का टेंपल, मतलब पगोड़ा शांति का स्तूप, स्तूपा टाइप, शांति स्तूपा, पीच पोल। फुटबॉल खेलेंगे। क्या नाम है इस डैम का? नॉर्मल लोकल नाम है कुलसी देवलर। क्या? कुलसी है जगह का नाम, कुलसी। ऊपर में दो बड़ा बड़ा रिवर एक साथ मिला। कहाँ पे? और भी ऊपर। अच्छा, वहाँ पे और भी बहुत सामने।
अच्छा तो फिर दो मिलके हाँ। फिर पानी यहाँ पे रुका के हाँ। फिर वहाँ से रास्ता बनाया अच्छा खेतों में लेके गया ताकि खेती अच्छे से कर पाए। सो ये हमारी सेकंड डेस्टिनेशन कुलशी डैम है यहाँ पे और इस साइड देखो वाओ इस साइड भी सुंदर है पर सो दिस इज़ दी राइस फील्ड जहाँ पे अभी राइस नहीं है थोड़े टाइम में होंगे है ना बारिश आने के बाद राइस में बहुत सारा पानी चाहिए होता है हाँ 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 तो एकदम इतना हमेशा भर पानी चाहिए होता है हाँ, हाँ. जब पूरा एकदम भर जाएगा ये पानी हाँ. उस टाइम पे राइस लगा सकते हैं वरना वो नहीं होगा सूख जाता है तो मतलब कि अगस्त के टाइम पे होगा जून जुलाई अगस्त मानसून के टाइम पे है ना तब तक ऐसे ही रहेगा फिर ये मानसून में लगाते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ जा रहे हैं आप सोंजे अभी जा रहे हैं वहीं पे ही बुद्धा हाँ। जहाँ पे पहुँच नहीं पाए अब तक स्टेशन देखना है वहाँ पे पे हमने नीचे कार पार्क करी है यहाँ पे है बुद्धा टेंपल हम आए थे बांग्लादेश पे ड्रोन उड़ाने अभी हम खुद उड़ रहे हैं बारिश में इसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है क्या है ओ कीड़ा वो ये बैम्बू वाला है ये बारिश का क्या ये सिल्कोम जैसा ही लग रहा है सो ये है यहाँ पे जाइंट बुद्धा स्टैचू और वो सामने वहाँ पे है बांग्लादेश अभी थोड़ा स्मोग में फॉग में नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए मैं आपको दिखाने आया था बॉर्डर है कौन सा अच्छा ये बीच में बॉर्डर है यहाँ से ये बांग्लादेश का ही है ये पूरा बांग्लादेश है वहाँ पे पूरा वो जो धुआं निकल रहा है वो बांग्लादेश है वहाँ से बीच में अभी दिखाई नहीं दे रहा है हाँ दिख नहीं रहा वहाँ से वैसे दिखती है क्या फेंसिंग हाँ दिख जाती है रात को जो लाइट जलती है ना अच्छा आइडिया हो जाता है कि ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ से फेंसिंग अच्छा अभी तो ऐसे जंगल बड़ा हो गया ना फिर दिख नहीं रहा वरना यहाँ से पूरा दिखता था ऐसे पूरा बाउंडरी बांग्लादेश का यहाँ से पूरा सर्कल है अच्छा यहाँ से पहाड़ है ना हाँ वो सामने वाला पहाड़ है अच्छा दूर दिख रहा है त्रिपुरा से मैंने बांग्लादेश तो देख लिया फिर मेघालय से देखूंगा हाँ दाऊकी जाओगे तो वहाँ भी दिख जाएगा सो अभी यहाँ पे बारिश तो रुक नहीं रही तो हमारे ड्रोन शॉट्स के लिए हम आए थे मेन यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर भी देख लिया जो कि अच्छे से दिख नहीं रहा ये वाला टेंपल भी देख लिया स्टैचू भी देख लिया सब कुछ देख लिया अब जा रहे हैं हम वापस बैक टू होम अभी तक आपने त्रिपुरा में देखो बंगाली लोग देखे होंगे इनके जैसे अभी ये है ट्राइबल लोग जो कि ऐसे घर बनाते हैं सेम जैसे सामने नीचे दिखाते हैं वो मार्केट है वो यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट की टच है अच्छा सारे यही है पूरे नॉर्थ ईस्ट वाला वो है ना कितना बिस्टी हो रहा है है ना कितना बिस्टी में क्या करेगा मजा नहीं है रे बना रहे देखो ऐसे पकोड़ा बना रहे वहां पकोड़ा जहां पे वो स्टैचू था हाँ। ऐसे और भी दो तीन पहाड़ है हां देख लिया सबके ऊपर चुरा चुरा करके स्टैचू है देख लिया कुछ नहीं दिख रहा और ये सबसे बड़ा है अभी काम करेगा शायद फिर सुंदर लगेगा ना इससे तो कोई आता भी नहीं है पता भी नहीं किसी में बनाते हैं ना बहुत सारे तो ये ट्राइबल लोग यहां पे क्या बुद्धा को मानते हैं और वहां वाले क्रिश्चियन को त्रिपुरा में बुद्धा अलग-अलग ट्राइब है ना ये अलग ट्राइब ये कौन सी ट्राइब है ये शायद मॉक 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 त्रिपुरा में जो बुद्धिस्ट है वो दो लोग है मॉक और एक चकमा 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 तो मैंने सुना है कुछ हाँ ये बांग्लादेश में चकमा मिलेगा अच्छा बांग्लादेश मॉक जो है म्यांमार में मिलेगा अच्छा ये म्यांमार और बांग्लादेश के हैं ये मॉक जो है वो म्यांमार का ही है अच्छा अच्छा और चकमा त्रिपुरा रियांग ये सब पीछे ये वो है लोकल त्रिपुरा त्रिपुरी त्रिपुरा सरनेम लिखते हैं द ब्रह्मा ब्रह्मा द ब्रह्मा त्रिपुरा ही उनका सरनेम है अच्छा कुछ क्रिश्चियन है कुछ हिंदू है वो तो कॉन्वर्टो के क्रिश्चियन हो गए यहाँ पे सब्जी की मार्केट है और मछली वगैरह मछली उस साइड है अच्छा उधर से यहाँ पे सिर्फ वेज ये दुर्गा माता कौन सा काली
चकमा वाला पतला ऐसा नहीं होता, ये हमारी जो लोकल है उसकी खेत में भी उगता है, अभी टाइम खत्म हो गया ना उसकी खेत में जो है ना, बहुत डिफरेंट खीरा है ये, अंदर से सेम है, अंदर से सेम होगा खाने में, देखने में जो उसने अभी दिया था हमको खाने में, कौन सा, हाँ हाँ वो वाला, हाँ और ये वाला खीरे की सब्जी बनती है, बड़ा वाला होता है, ये भी डिफरेंट है, क्या बोलते हैं, शोशा इसको कच्चा खाते हैं, कैसे खाते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, उसको पका के भी खाते हैं, सब्जी की तरह, सब्जी की तरह बना के, कच्चा खाने से अच्छा लगेगा, अच्छा कट्टा होगा बोल रहे हैं, अच्छा कड़वा होगा, कच्चा खाओगे तो कड़वा लगेगा, दाल वाल के साथ पका के खाते हैं, सही है, इंडिया में सब्जियां भी डिफरेंट है ना, अलग अलग जगह, हाँ हाँ अलग जगह, हर जगह अलग होता है, ये क्या है, ये बीन्स है इसका, इसका अंदर का, अच्छा बीज है इसका, क्या बोलते हैं इसको, ग्वार फली, बीन्स बीन्स भी बोलते हैं, ग्वार फली, दो तरीके की बीन्स होती है ना हमारे यहाँ पे, सीम बोलते हैं, हाँ सेम की फली, हाँ सेम के वाले, ये इसके ऊपर अनियन तो है नहीं, ये नीचे होता है ना, मिट्टी के नीचे अनियन आता है, ये फूल है, अच्छा ये फूल है, पेड़ स्प्रिंग अनियन का, नीचे वो वाइट अनियन होता है, ऊपर ये उगता है, वाइट वाले अनियन का है ना ये, रेड वाले का, रेड वाले का, अच्छा तो ये सब्जी के अंदर डाला जाता है, हाँ इसको पका के ऐसे फ्राई बना के खा जाते हैं, आलू के साथ, हाँ आलू के साथ, अंडे के साथ फ्राई, हमारे वहाँ नहीं मिलता है। ये वाला नहीं मिलता है ना, कोई खाता नहीं होगा इसीलिए, पता नहीं हमारे वहाँ पे सिर्फ लाल प्याज मिलता है, हाँ। और वाइट वाला मिलता है जिसके बहुत सारे वो निकले होते हैं, स्प्रिंग अनियन होता है जो चाउमीन में डलता है, ठीक, ये कैप्सिकम तो कहीं नहीं मिलता पूरे इंडिया में यहाँ के अलावा, स्क्वाश नहीं मिलता, वो मैंने वहाँ जो खाया था जो तुमने बताया था, नहीं मिलता है क्या वहाँ, सिंगा चिन्न्यू, नहीं नहीं मिलता, जब इसने बताया था मेरे को स्क्वाश, स्क्वाश बहुत टेस्टी था वो, तो ये बैंगन है, ये हाँ ये तो मिलता है, पर ये पर्पल कलर का मिलता है, ग्रीन कलर के बैंगन नहीं होते हमारे खेत में, भी देखा था ना, हाँ इसके खेत में भी, छोटा वाला ये क्या है, नींबू, हमारे यहाँ पे ऐसे नींबू भी नहीं होते, क्या बोल रहे, हाँ हाँ गोल येलो इसको बोलते हैं कागजी, हाँ बिल्कुल गोल, ये वाले नींबू तो आज तक कभी आए भी नहीं वहाँ पे, इनके अंदर रस भी कम होता है ना, वो फ्लेवर मतलब परफ्यूम टाइप आता है उसका, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा वाला स्मेल आता है इसमें, हाँ स्मेल अच्छी आती है, पर इसके अंदर वो कम होता है, रस कम होता है, जो रस वाले खाते हैं ना उसमें कुछ होता नहीं है, बस रस ही होता है पूरा एकदम, अच्छा। गोल गोल वाले जो होते हैं, हाँ, येलो वाले यहाँ पे कागजी करके है, वो मतलब अगर डाल के साथ मतलब जो खाओ ना, हाँ। एक बार दिया ना एकदम पूरा एकदम, अच्छा इसको कागजी नींबू बोलते हैं, हाँ कागजी नींबू बोलते, जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ पे तो वो बड़ा वाला नींबू भी आता क्या कोई, हाँ हाँ वो वाला दे दिया मेरे को, मेरे को खीरा है मैं खा गया इतना खट्टा, ये देखो वो जो करेला होता है ना, हाँ। उसी खेत में जो नीचे वाला था ना, हाँ ये वो ये, अच्छा ये छोटा वाला करेला, ये छोटा वाला, हाँ हाँ बड़े वाले तो ऐसे उसमें वो इतना बड़ा होता है, हाँ ये नीचे है, नीचे रहता है, वही था, ये क्या है, ये अच्छा ये होता है उसका, उसका जो बेल है, उस चीज का बेल है, इसको भी खाते हैं, ये लौकी का बेल, हाँ ये तो हर कोई खाता है हमारे यहाँ पे, ये कैसे खाते हैं, इसको ऐसे काट काट के सब्जी की तरह बनाते हैं, इसका साग, इसका वो बनाता है, साग बनाते हैं ना जैसे राई का साग होता है, हाँ राई साग, हाँ 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 इसका साग बनाते हैं, इसको ऐसे काट काट के खाते हैं, तो तुम बहुत हेल्दी खाते हो सब, हाँ, कुछ है मछली मछली के साथ भी खाते हैं ये, अच्छा ये जब एकदम बूढ़ा हो जाता है ना, हाँ, उसका अलग टेक्सचर आता है वो, मतलब हार्ड हार्ड हो जाता है वो भी खाते हैं, जब ये रखा रखा हो जाएगा क्या बूढ़ा, नहीं नहीं ये अगर एज हो गया ना, ये तो कच्चा है अभी, अच्छा मतलब अभी जवान है वो भी खाते हैं, ये का है ना, ये भी बहुत ऐसा नहीं आता हमारे वहाँ पे, बहुत पतला चिकना, हाँ बिल्कुल चिकना, हाँ वैसा वैसा, ये तो बहुत ही, ये लोकल है हमारा, हाँ ये लोकल ही प्रोड्यूस है सब, हाँ इतने बड़े नहीं आते हमारे वहाँ पे, बहुत छोटे आते हैं, छोटे छोटे हाँ, गोल वाले आते हैं वो इतने से, हाँ, और लंबे वाले इतने इतने मोटे होते हैं बस, कद्दू तो आता है ना इस, हाँ ये तो आता है, ये भी आता है हरा वाला भी आता है, ये एक्चुअली हमारे यहाँ का नहीं है, श्रीराम से आता है, ये तो हमारे वहाँ भी है और वो भी है, टमाटर ना वो वाला गोरा ना कद्दू, हाँ ये छोटा वाला, और ये धनिया है, ये धनिया, ये कैसा धनिया है, ये धनिया का पत्ती है ये, अच्छा नीचे धनिया है ऊपर वो है, यही है खाते हैं, ये एकदम पूरा है, हमारे वहाँ नीचे नीचे वाला आता है, नीचे वाला काट के ऊपर वाला खा जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है, और ये ये आलू है, ये इतना इतना, हाँ ये देसी है, इसको ऐसे पूरा छिलके के साथ खा जाते हैं, अच्छा ऐसे खा जाओ, हाँ छिलके के साथ, ये आलू मिलता है, ये देसी है, अच्छा और ये खीरा ही है, ये खीरा है, और ये शकरकंदी है, हाँ इसको स्वीट पोटैटो, मीठा आलू बोलते हैं, हाँ स्वीट पोटैटो,
इसको हम लोग कैसे खाते पता है? इसको हम जला देते हैं, मतलब वो करते हैं ना बैंगन का भरता बनाने, हम भी ऐसे खाते हैं भून के, इसको भून के कोयले के ऊपर भून के तो और भी टेस्टी लगता है, उसके नींबू डाल के चाट मसाला ऊपर खाते हैं। हमारे घर के पीछे एक चूल्हा है, हमारे वहाँ तो मिलता है, ये रोड पे बेचते हैं। इसको ऐसे इतने मोटे मोटे मिलते हैं, ये देखो ना ये मोटे मोटे, हाँ ये इसको ऐसे भून के खाते हैं, मस्त लगता है, बढ़िया लगता है। ये तो पपाया, ये कच्चा वाला है ना, ये तो मिलता है हमारे वहाँ, ये भी बहुत सुंदर है। ये तो वो वाले कार्टून में नहीं आती, पीछे ऐसे निकला हुआ खरगोश खाता है। चलो हो गया, ये क्या है, इसका नाम तो ये साकी है, हाँ ये एक साग है, मतलब उसका ग्रीन वेजीज की तरह होता है, इसको लाल लाल हो जाता है। अच्छा, ये वाला पालक की तरह है क्या? हाँ, पालक की तरह, जैसे कि गोभी आती है बंद वाली पर्पल कलर की, ऐसे ये पर्पल पालक है। हाँ, ये पर्पल पालक है। अच्छा, एग्जैक्ट। चलो बहुत कुछ अलग देखने को मिला। हमारे यहाँ पे क्या होता है, लोकल मार्केट डे होता है, हाँ। हर हफ्ते दो दिन वो मतलब मार्केट डे है। अच्छा, उसमें सब लगता है, एक ही दिन उस दिन लाता है। हमारे यहाँ पे आज जो भाई गोरा हम लोग जहाँ पे है वहाँ पे आज है सैटरडे। अच्छा, ट्यूजडे और सैटरडे आता है। मनोवाजा देखा था कि आज आते टाइम, आज सैटरडे है ना, हाँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब हमारे साउथ का सबसे बड़ा मार्केट लगता है वहाँ पे। हाँ, इसमें बताया, देखा हमने। हाँ, गेस करो एक्सप्रोक्स कितना का वहाँ का सेल होता है? करोड़ों में होता है, दिन का 10-12-20 करोड़ भी जाता है। अच्छा, पूरी मार्केट का मिला के? हाँ, उससे ज्यादा भी जाता है, इतना बड़ा बड़ा पोर्क आता है, इतना बड़ा बड़ा, देखा नहीं होगा शायद इंसान को मार ले ऐसा। अच्छा, और वहाँ पे उस मार्केट में ना सब मिलता है। अच्छा, हर कुछ मिलेगा। ओके, बाय बाय, मिलेंगे फिर कभी। ओके, बाय बाय, गेट बैक करूं।